नमस्कार बलराम भाई, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से सचिन खाड़े बात कर रहा हूँ। नमस्ते भाई। अभी ये मेरा केले का प्लॉट है, इसकी प्लांटेशन 23 फरवरी को हुई थी। मैं आपका यूट्यूब चैनल देख के आपसे ये नंबर पे ये वीडियो भेज रहा हूँ। तो ये प्लॉट में 23 फरवरी को ये प्लांट लगाया हुआ है। ये इसमें ये लाइन से लाइन की दूरी 7 फुट है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फुट की है। तो 1.5 महीने का ये प्लॉट है। तो इसमें कैसा है इसकी परिस्थिति है आपसे मुझे जानना है। ये इसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये इसका जो पहली प्रॉब्लम ब्रदर आपके फील्ड पर ये है कि आपने 7 फीट पर लाइन लगाई है, पौधे से पौधा 5 किया है, पथरीला थोड़ा सा स्टेशन है आपका, मिट्टी है, और उसके बावजूद सिंगल ड्रिप है। अगर यहाँ पर हम बेस्ट पे जाना चाहते हैं तो डबल ड्रिप कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि लाइन से लाइन आपने 7 कर लिए। लाइन से लाइन 5 होती तो सिंगल ड्रिप ठीक रहती, अभी अच्छा लगेगा। जब पौधे का रूट डेवलपमेंट होगा, पौधे को न्यूट्रिशन ज़्यादा लगेगा, जब फ्रूट आएगा, जब फ्लावरिंग आएगी और फ्रूट सेट होगा, न्यूट्रिशन अपटेक करने के लिए रूट डिज़ाइन ज़्यादा चाहिएगा, उस समय आपका ड्रिप कम रहेगा और वाटर मैनेजमेंट गड़बड़ करेगा, उस समय आपको लगेगा कि आपका सिंगल ड्रिप गलत है। बीच में का पत्ता निकल रहा है वो अच्छे से नहीं निकल रहा है और उसके कारण दो कारण है इसके। आपका पूरा खेत खेला खुला मैदान है, न तो आपने सन लगा रखा है, आज 13 अप्रैल 2020 है, सन नहीं है, आपको हरा पत्ता होना था पौधे से 1 फीट दूर पश्चिम और दक्षिण तरफ, ताकि गर्म लू ना लगे, और दो पौधों के बीच में मक्का होना था यहाँ पर, ताकि गर्मी से बचाव हो। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो अभी धूप असर करेगी, दिखाएगी। नीचे भले ही हम पानी 10-10 घंटे देंगे, जब भी लू और ऊपर से धूप जो रहेगी वो सेंटर पोंगे को झुलसाएगी और गड़बड़ करेगी। पौधे की जो अगला पत्ता निकलने वाला है वो अच्छे से नहीं निकल रहा है, बिल्कुल रुकेगा, आपकी गलती है। और मेरा वीडियो कुछ देखो, उसमें डेटा मिलेगा। दूसरी समस्या ये प्लॉट में मुझे ऐसा लगता है, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनका पत्ता अकड़ गया है। अकड़ेगा वो भी, देखिए मित्र, सिंपल सा सूत्र है, वाटर मैनेजमेंट सेकेंड नंबर पे, पहले नंबर पे क्लाइमेट कंट्रोल, फिर वाटर मैनेजमेंट, फिर आएगा फर्टिलाइजर। कोई जादू की चुटकी बजाने जैसा कुछ नहीं है कि आपके इस पौधे को चुटकी बजा के सही कर दे कोई भी एग्रोनॉमिस्ट, कोई सा भी फर्टिकेशन देकर। इसे चाहिए क्लाइमेट कंट्रोल। नागेश्वर जाट, राजेश मालवी जी और इनके जैसे बहुत सारे अनेक मित्र हैं जिनके वीडियो यूट्यूब पर डले हैं, उन्हें देखकर सीखो और तुरंत अप्लीकेशन करो। मई लास्ट में ज़्यादा लू चलेगी, अभी 1.5 महीना है, उस समय आपके पत्ते बहुत डिस्टर्ब होंगे, और अगर ज़्यादा धूप आई नवतपा में मई लास्ट में, तो प्लांट अपना डीएनए बदल देता है, जेनेटिक कैरेक्टर बदल देता है, और उसमें डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। जब फिर फ्लावर देता है उस समय उसका बंच जैसे घोड़े की पूंछ और कुत्ते की पूंछ के समान टेढ़ा आता है बंच, जो नीचे से चोंच उसकी रहती है ऐसे पूंछ के समान टेढ़ी रहती है, फ्लावरिंग का डंडा पतला रहता है। ये सब गड़बड़ होगी आपका जब फ्लावर आएगा, अगर हीट खा गया पौधा तो। इस प्रकार से कोई पत्ते हैं, इसमें ऐसे काला स्पॉट बीच में आ रहा है। ये 100 सनबर्न है, धूप से जल रहे हैं, ये डायरेक्ट धूप लग रही है, क्लाइमेट कंट्रोल करो। रफ है ये और पत्ते भी अकड़ गए हैं। तो लगभग 1 एकड़ में ऐसे जो प्लांट है वो लगभग 50 रहेंगे। जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे और पौधों में थोड़ी सी गड़बड़े आएगी। एक चीज तो और आपके फील्ड में ज्यादा दिक्कत है, वाटर आपका जो है वह ट्यूबवेल का है और क्षार बहुत है। और अच्छी तरह से मैं ये प्लॉट को ला सकता हूँ? अभी नहीं ला सकते, अगर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो ये नहीं सुधरेगा, आपको होमवर्क करने की और आवश्यकता है। थोड़ा सा डीपली नीचे जाओ, अभी राजेश मालविया जी का मैंने वीडियो डाला था, उसे फॉलो करो। कुछ पत्ते, ये गर्मी का असर है, कोई फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा मित्र, किसी डॉक्टर से फर्टिलाइजर सुनकर डालना चालू मत कर देना। एक चीज है, थोड़ा सा मैग्नीशियम काम करता है लेकिन इतना काम नहीं करेगा कि छाता लेके खड़ा हो, क्लाइमेट कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। बाकी जो फील्ड का
सिस्टम है आपका, एक ये सफ़ेद सफ़ेद क्षार जो दिख रहा है, इसके लिए आप एक बार एसिड ट्रीटमेंट कीजिए, 1000 पौधे पे 1 लीटर एसिड, 100 लीटर पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालकर पानी चलाने से पहले 20 मिनट में 100 लीटर पानी वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला चलाना है, फिर 3-4 घंटे पानी चलाना है। ये टॉक्सिसिटी जो बढ़ाएगा, ये क्लोरीन जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी आपको थोड़ा ज़्यादा और फॉलो करना चाहिए यूट्यूब पर, क्लाइमेट कंट्रोल से ये ठीक होगा, इसमें जादू की झप्पी कुछ काम नहीं करेगा। ओके, थैंक यू, मैं बलराम किसान।